फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे से लेके हर इंसान को चाहिए होता है लाइफ में, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। भरोसा अगर खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो एक इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इंसान को बचपन से लेके हर इंसान को इम्पोर्टेंस होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज लड़की देखने वाले हैं आए हैं, कॉन्फिडेंट रहना। आज आपको प्राइज मिलने वाला है, कॉन्फिडेंट रहना। आज आप डेट पे जा रहे हो, कॉन्फिडेंट रहना। आपने नया बिजनेस चालू किया है, कॉन्फिडेंट रहना। कि क्या है कॉन्फिडेंस, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, पहले हमें इसके मामले में पता होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो हमारे अंदर की क्षमताएं, उसके ऊपर विश्वास होना, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, वो बहुत प्रेजेंट में के लिए भी नहीं सोचते और फ्यूचर के लिए भी नहीं सोचते। और उनसे पूछो कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तो वो बोलते हैं अरे बड़ी शानदार चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है लाइफ में। और जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनसे पूछो अरे भाई लाइफ कट रही है, आधी कट गई और आधी काट लेंगे। तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना। और यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो बहुत ही खुशी की बात है। यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। उसको हम किसी भी उम्र में किसी भी तरीके से अपने अंदर ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो जो हमारी चीज़ों में कमी है, वो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में हम डरे। हम सब कुछ हर उम्र में हर कुछ कर सकते हैं। उसके भी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला टिप है, हमें अपने अंदर की जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिव थॉट्स हैं। जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पास नहीं होंगी, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, मेरी जॉब तो कभी लगेगी ही नहीं, मेरे को वो लड़का पसंद करेगा ही नहीं। ये होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, इनको हमें पहचानना है। तो हमें ये कहना है कि मैं पास जरूर होंगी, मैं फेल नहीं होंगी, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं ये जॉब कर लूंगी। तो हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को उनको पहचानना है और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सेकंड टिप जो होता है, वो होता है कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को हमें पॉजिटिव में टर्न करना है। जैसे कि मैं ट्राई करूंगी ये काम करने की, यदि हमारे मन में आवाज़ आए कि ये मैं नहीं कर सकती, तो हमें ये करना चाहिए, हमें अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए कि मैं ट्राई तो करूंगी, चाहे मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मैं इसको ज़रूर कर लूंगी, मैं वहाँ जाऊंगी तो वहाँ पे मैं अपनी स्पीच दे पाऊंगी। तो हमें जितने भी अपने नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव में टर्न करना है। ऐसे ही एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत खूबसूरत लोग भी होते हैं और बहुत बहुत रिच भी होते हैं और बहुत कुछ अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में समर्थ भी होते हैं, तो हम उनको देख के दुखी क्यों होते हैं। उल्टा हम अपने आप को सुधारो, अपने अपनी पर्सनैलिटी को खुद डेवलप करो। तो जो उनको दुखी होंगे और हम खुद को नहीं सुधार करेंगे, तो हम लाइफ में कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। तो हमें अपनी तुलना कभी किसी से भी नहीं करनी चाहिए। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, जो अपने हमें छोटे छोटे गोल रखने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम छोटे गोल रखेंगे तो हम उसको जल्दी से कॉन्फिडेंस पा लेंगे। हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम बड़े बड़े गोल तो रख लिए, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम उसको आगे बढ़ पाएं। तो हमें अपने गोल हमेशा जितने हम कर पाते हैं, कर सकते हैं, उतने ही गोल रखने चाहिए। और अपने पास्ट को लेके नहीं बैठना चाहिए, ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि यदि किसी ने हमारा कभी मजाक बनाया हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाता है। अरे क्योंकि क्या हो जाता है कि यदि हम उसको ही पकड़ के बैठे रहेंगे, या कभी किसी ने हमारे सुंदरता का मजाक बनाया हो, या हमारी कभी किसी बात का मजाक बनाया हो, तो हम उससे कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते, हम उसको गांठ बांध के रख लेते हैं। तो हमें अपनी इनर वॉइस को करना चाहिए कि भगवान ने जो मेरे को बनाया है, वो मुझे बहुत अच्छा बनाया है, मैं बिल्कुल सही ही हूँ। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करो, इन चीज़ों को भूल जाओ, जिसने किया उसको माफ़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो क्या होगा, यदि तुम ये सब चीज़ों को भुला पाओगे, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया,
तो वो उसी को लेके बैठी हुई है, अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ रही। अपने कॉन्फिडेंस को आगे करो तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करो, ये पॉइंट भी बहुत जरूरी होता है कि हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को देखें। भगवान ने सबको तो एक सा बनाया नहीं है, सब एक से नहीं है, कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है, ये सब भगवान के दिए हुए हैं। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। रोज तुम उठो ना हो, अपना लुक अच्छा करो। अपना लुक अच्छा करोगे तो अपनी पर्सनैलिटी एक अलग ही नजर आएगी, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक हमारे जो ड्रेसिंग सेंस होता है उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत आगे से दिखता है, क्योंकि यदि हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा और हम किसी को देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, उस चीज का कॉन्फिडेंस में बहुत महत्व है, क्योंकि हमें अपना कॉन्फिडेंट बनना है। तो अगला टिप है वो है अपनी गलतियों को सुधारो। कई बार क्या हो जाता है कि यदि हमसे बिजनेस में लॉस हो गया तो हमें लगता है अब तो हाय राम लॉस हो गया, अब तो मैं रिस्क उठा ही नहीं सकता, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये चीजें मत सोचो। यदि किसी पत्नी और पति की लड़ाई हो गई, कोई सब परफेक्ट नहीं होता, हर कोई भगवान नहीं होता, हर किसी से गलती होती है, क्योंकि कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ या कोई बात हो गई, तो अपनी गलती को सुधारो ना, अपने कॉन्फिडेंस को क्यों गिराना होता है। यदि हमारे से कुछ भी बड़ी गलती हुई है तो अपनी गलतियों में सुधार लाओ, अपनी गलतियों से भूलकर आगे बढ़ो, तो हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बारिश में जैसे कि हम अम्ब्रेला लेके खड़े होते हैं वो ही रोल होता है। जैसे कि हम अम्ब्रेला लेके खड़े हैं तो वो बारिश को रोकने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन हमें बारिश में खड़े होने का विश्वास दिलाता है। ऐसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो हमारी सफलताओं को हमें नहीं वो करेगा कि हम सफलता चूम लेंगे, लेकिन जो उसकी रुकावटें होती हैं उसको फेस करने की हमें विश्वास दिलाता है। इसलिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, और हर एज में हर चीज में हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक टीचर होता है और वो बच्चों को मैथ का एक सम होता है, जो सवाल होता है उसको सॉल्व करने के लिए पूरी क्लास को देता है, और वो जो क्वेश्चन होता है वो बहुत टफ होता है। पूरी क्लास लगी रहती है, किसी को आता ही नहीं है, तो सब अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। उसके बाद जो सोहन मोहन होते हैं वो फिर भी कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद मोहन भी किताब बंद कर देता है कि जब किसी से नहीं हो रहा तो मेरे से कैसे होगा। लेकिन जो सोहन होता है वो ट्राई करता रहता है और उसको सफलता मिल जाती है। तो उसके जो अध्यापक होते हैं वो पूरी क्लास में कहते हैं, जो इसका कॉन्फिडेंस था, नहीं मैं कर सकता हूँ, तो इसकी जीत हुई। इसीलिए हमें अपने इनर की आवाज बिल्कुल सुननी चाहिए। हम रोज सुबह उठें और अपने इनर वॉइस में करें कि भगवान तूने हमें परफेक्ट बनाया है और हम हर काम कर सकते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आज जितने के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जितने भी बड़े बड़े सब हैं, जो एडिसन था उसने बल्ब बनाया, वो कितनी बार फेल हुआ बल्ब बनाने में, कितना असफल हुआ, लेकिन एक दिन उसकी बल्ब बनाने की सफलता मिली ना। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और अपने को आगे बढ़ाएंगे तो हम हर काम में सफल हो पाएंगे। आपको मेरे ये कॉन्फिडेंस के टिप्स कैसे लगे, और मैं पूरी श्योर हूँ कि आप मेरी इन टिप्स को अपनाएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यदि आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके सारे काम ऐसे के ऐसे होते चले जाएंगे। इसलिए यदि आपको ये मेरे टिप्स पसंद आए हो तो सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जितनी से ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करें। थैंक यू।